जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन विस्पुते, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम जीएसटीआर 9 के कुछ बर्निंग एफएक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछे, इसलिए मैं आज उसको यहां पे कवर करने वाला हूं। और मेरा अगला आने वाला जो वीडियो रहेगा, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 में इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे रिपोर्ट करना है। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जीएसटीआर 9 में आपका जो टर्नओवर है उसको कैसे रिपोर्ट करना है। वहां पे हमने काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किए थे, अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिपोर्टिंग करनी है वो भी डिस्कस किया था। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए कि आपका जो वीडियो बना बहुत अच्छा बना है, लेकिन उसके ऊपर व्यूज बहुत कम आए हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, वहां पे हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज को कवर किया है। और अगले आने वाले वीडियो में हम आईटीसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीएसटीआर 9 में आईटीसी को कैसे रिपोर्ट करा जाए। और आज हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इश्यूज को। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कैंसल जीएसटी नंबर को भी जीएसटीआर 9A 9C फाइल करना रहेगा? कईयों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि हमने नंबर को कैंसिल करा दिया, जीएसटीआर 10 भी फाइल कर दिया है, तो क्या हमें एनुअल रिटर्न फाइल करना रहेगा? तो इसका आंसर है यस। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज करो जुलाई 2017 में आपने जीएसटी नंबर ले लिया, लेकिन आपने फरवरी 2018 में नंबर को कैंसिल करवा दिया, नंबर कैंसिल भी हो गया, जीएसटीआर 10 भी आपने फाइल कर दिया है, तो दैट्स ओके, वहां पर खेल खत्म। लेकिन आपको एडिशनली उस फिनेंशियल ईयर के लिए जीएसटीआर 9 या 9A या 9C, जो तीनों में से जो भी एप्लीकेबल हो रहा होगा, वो आपको फाइल करना रहेगा। सपोज करो आपका उस पीरियड में टर्नओवर जो था वो 2 करोड़ से बढ़ गया है, तो आपको 9C भी फाइल करना रहेगा और 9B फाइल करना रहेगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको 9A और 9C फाइल करना रहेगा। अब उस केस में क्या होगा, जुलाई से लेकर फरवरी तक का आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल होना चाहिए। अगर वो आपने वो फाइल किया होगा तो ही आपको 9A और 9C जो भी आपको एप्लीकेबल है वो फाइल करने देगा। यानी कि जुलाई से लेकर फरवरी तक के पीरियड के रिटर्न आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या नील जीएसटीआर 3B और 1 के केस में भी जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा? सपोज करो जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 तक के पूरे पीरियड में किसी ने नील जीएसटीआर 3B और नील जीएसटीआर 1 फाइल किया है, तो क्या आपको नील जीएसटीआर 9 फाइल करना रहेगा? तो आंसर है यस, आपको उस केस में नील जीएसटीआर 9 फाइल करना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, सपोज करो जुलाई 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक आप कंपोजिशन स्कीम में थे, फिर जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2018 तक आप रेगुलर स्कीम में थे, या तो उल्टा कर लो, पहले जुलाई से लेकर दिसंबर के केस में आप रेगुलर में थे और जनवरी 18 से मार्च 18 तक आप कंपोजिशन स्कीम में थे, तो क्या उस केस में आपको जीएसटीआर 9 और 9A दोनों फाइल करना रहेगा? तो आंसर है यस। तो जितने पीरियड के लिए आप कंपोजिशन में थे उतने पीरियड के लिए आपको जीएसटीआर 9A फाइल करना रहेगा, और जितने पीरियड के लिए आप रेगुलर स्कीम में थे तो उतने पीरियड के लिए आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना रहेगा। अब कौन से लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है? To whom annual return that is GSTR 9 not applicable? तो input service distributor को GSTR 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। A person required to deduct TDS और tax collector, इन लोगों को भी GSTR 9 नहीं लगेगा। Casual taxable person, इनको भी annual return फाइल नहीं करना है। Non-resident taxable person, इनको भी GSTR 9 फाइल करना नहीं रहेगा। और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को जीएसटीआर 9 नहीं लगेगा, उनको जीएसटीआर 9A लगेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।